Hello, today we will start with lesson number 2 of standard 7, social science. Lesson number 2, motion of earth. In this chapter we will study about the earth rotation, earth revolution, how due to rotation there is a day and night, and how due to revolution there is a seasons. Rotation means moving, earth moving on its axis, and revolution means earth revolving around the sun. Earth rotates on its own axis and also revolves around the sun. Page number 7, lesson number 2, motion of earth. In this chapter, they have explained us ki kaise earth ka rotation hota hai, aur rotation ke wajah se हमें डे और नाइट में वेरिएशन मिलता है, अर्थ का रेवोल्यूशन होता है जिससे सीजन्स हमें अलग अलग मिलते हैं. रोटेशन कितने आवर्स में होता है, रेवोल्यूशन कितने दिनों में होता है, रोटेशन की स्पीड क्या है, रेवोल्यूशन की स्पीड क्या है. फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ पेज नंबर 7, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस एंड ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन. द मून एंड द अर्थ ये कॉन्स्टेंटली एक मोशन में है. देर आर टू मोशन ऑफ द अर्थ. फर्स्ट इज रोटेशन, जिसको हम बोलते हैं मूविंग ऑन इट्स एक्सिस. दूसरा होता है रिवोल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं रिवॉल्विंग अराउंड द सन. पेज नंबर 8. नाउ व्हाट डज रोटेशन ऑफ द अर्थ मीन्स, इसका मतलब क्या होता है. अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स इमेजिनरी एक्सिस, उसका जो एक्सिस होता है वो इमेजिनरी एक्सिस होता है. स्पीड ऑफ रोटेशन इज अलोंग विद द पॉइंट ऑफ द इक्वेटर. अब स्पीड क्या है उसकी, 1670 किलोमीटर पर आवर, और एक रोटेशन को अर्थ को खत्म करने में लगता है 24 आवर्स, दैट इज वन डे. सेम वे रेवोल्यूशन, अर्थ टेक्स वो रिवॉल्व होने में कितना दिन लगता है उसको, 365 days, that is 1 year. उसकी स्पीड कितनी होती है, 1760 किलोमीटर पर. पेज नंबर 9, टॉपिक रेवोल्यूशन. अर्थ टेक्स 365 days टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन. दिस पीरियड इज कॉल्ड अ ईयर. अर्थ को कितना दिन लगता है, 365 days, एक रेवोल्यूशन सन के आजू बाजू घूमने में. इस पीरियड को हम बोलते हैं वन ईयर. अर्थ जो है वो सन के आजू बाजू रिवॉल्व होता है और उसकी स्पीड है 1760 किलोमीटर पर. उतनी स्पीड में अर्थ सन के आजू बाजू चक्कर लगा रहा है, पूरा एक चक्कर उसको खत्म करने में पूरा एक साल. वन ईयर यानी कि कितने डेज होते, 365 days, पूरा एक सर्कल करने में उसको इतना टाइम लगता है. अर्थ मूव्स, अब ये अर्थ जो सन के आजू बाजू मूव होता है, एक फिक्स पार्ट में मूव होता है, उस फिक्स पार्ट को ऑर्बिट बोलते हैं. अर्थ मूव्स कंटिन्यूअसली ऑन अ फिक्स इमेजिनरी पार्ट कॉल्ड एन ऑर्बिट. इसे क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं. ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज नॉट राउंड, और ये जो ऑर्बिट है वो ऐसे राउंड नहीं होता है, वो थोड़ा सा टिल्टेड और थोड़ा सा ओवल शेप का होता है, जिसको एलिप्टिकल बोलते हैं. और इसी की वजह से, दिस इज द रीजन व्हाई डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन डज नॉट रिमेन सेम थ्रू आउट द ईयर. ये जो ऑर्बिट है ये ओवल शेप का है, पूरा सर्कल में नहीं है, ओवल शेप का है, जिसके वजह से जो डिस्टेंस होता है अर्थ के और सन के बीच में वो पूरे साल सेम नहीं होता है. कई बार नजदीक आते हैं, कई बार वो लोग दूर जाते हैं. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एट द स्पीड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1760 किलोमीटर पर मिनट. मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, राइट. अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. द अर्थ मेक्स एन एंगल, जब अर्थ सन के आजू बाजू रिवॉल्व होता है तो उसकी एंगल होती है 23.50 टू इट्स एक्सिस,
और उसका ऑर्बिट होता है 66.50। अर्थ उसके एक्सिस में सीधा नहीं होता है, टिल्टेड होता है, जिसके वजह से डे और नाइट और सीजन भी कॉज होती है, राइट। सो देयर आर वेरिंग ऑफ लेंथ ऑफ डे एंड नाइट और सीजन। जैसे वेरिंग ऑफ डे और नाइट की मैं जब बात करती हूँ तो विंटर में डेज आर शॉर्ट, राइट, एंड नाइट्स आर लॉन्गर। इन समर डेज आर लॉन्गर एंड नाइट्स आर शॉर्टर। दिस ऑल इज जस्ट बिकॉज ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। सेम वे हमें डिफरेंट सीजन्स भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको डायग्राम दिया गया है, इक्वल डे और नाइट का डायग्राम। वो डायग्राम आपको टिक करना है, इक्वल डे और नाइट डायग्राम। थिंग्स टू नो, द लाइन दैट सेपरेट लाइटर फ्रॉम द डार्कर हाफ ऑफ द अर्थ एंड जॉइंस द टू पोल इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, प्रकाश वर्ग। अभी जो लाइन है जो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है, जब सन एक अर्थ जब सन के एक पार्ट में आता है तब लाइट होता है, तो उसके ऑपोजिट पार्ट कौन सी हो गई, होगी डार्कर। ये जो लाइन होती है वो लाइन रियल में नहीं होती, वो इमेजिनरी लाइन होती है। इस इमेजिनरी लाइन को बोला जाता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रकाश वर्ग। पेज नंबर 10 में थिंग्स टू नो में ऊपर उसको टिक करना है, आपको आएगा डिफाइन सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, जिसका आंसर है द लाइन दैट सेपरेट्स द लाइटर फ्रॉम द डार्कर हाफ ऑफ द अर्थ एंड इट जॉइंस द टू पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, एंड इट डिवाइड्स अर्थ इंटू टू पार्ट। वन इज द लाइटर पार्ट, यानी कि जब सन उसके सामने होता है तो उसकी ऑपोजिट हो गई डार्क पार्ट। नाउ हाउ देयर इज वेरिंग इन लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट, कैसे होता है। द रेज ऑफ द सन फॉल्स वर्टिकल ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो हमारा अर्थ होता है उसको दो हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है, ऊपर है नॉर्थ पोल, नीचे है साउथ पोल। इक्वेटर है जो मेन लैटिट्यूड है, इक्वेटर के अलावा दूसरी लैटिट्यूड नॉर्थ पोल में है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, साउथ पोल में है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इक्वेटर की डिग्री है 0, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की है 23.5 डिग्री नॉर्थवर्ड्स एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की है 23.5 डिग्री साउथ पोल। अब जब सन डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, उसके रेस डायरेक्ट वर्टिकल फॉर्म होते हैं, ये पर्टिकुलर दिन में होता है, दैट इज 21 जून, और ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न में डायरेक्ट रेज जाते हैं 22 दिसंबर साउथ में। जब भी ये रेज वर्टिकल फॉल होते हैं तो डेज लॉन्गर होते हैं, और जब भी ये स्लैंटिंग जाते हैं उसके रेज तो डेज शॉर्टर होते हैं। दोनों ही ट्रॉपिक अपोजिट हेमिस्फीयर में, तो जब जिस हेमिस्फीयर में डेज लॉन्गर है तो उसके अपोजिट हेमिस्फीयर में क्या होगा, डेज शॉर्टर। Thus, season in northern and southern hemisphere are opposite. यानी कि जब northern में summer है तो southern hemisphere में winter है, जब यहाँ पे summer है और southern hemisphere में summer है तो northern hemisphere में winter है। और उसी तरह से season के हिसाब से sun के rays जब vertical होते हैं यानी कि सीधे जाते हैं तो days हो जाते हैं लॉन्ग। सीजन्स पेज नंबर 10 में टॉपिक सीजन। अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस इन द सेम डायरेक्शन। रोटेट होते होते वो सन से रिवॉल्व भी होता है, यानी कि मान लो ये सन है और यहाँ पे अर्थ ऐसे रोटेट हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, तो रिवॉल्व के साथ साथ वो रोटेट होते होते वो रेवोल्यूशन कर रहा है, राइट। तो अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, वो उसी के एक्सिस में रोटेट हो रहा है और सन के आजू बाजू वो क्या हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है सेम ही डायरेक्शन में। ड्यू टू दिस नॉर्थ पोल फेसेस सन एट अ रेगुलर इंटरवल्स, और जिसकी वजह से जो नॉर्थ पोल है उसमें सन के रेगुलर इंटरवल्स आते हैं। The rays of the sun fall vertically either on the north or south of the
इक्वेट, जिसके वजह से लेंथ और डेज के वेरिएशन होते हैं। दोस पार्ट ऑफ द अर्थ विच रिसीव्स मोर सनलाइट, जब भी वो रोटेट और रिवॉल्व होते होते जिस पोर्शन में सन के रेज जिस पार्ट में ज़्यादा फॉल होते हैं, यानी कि वहाँ पे समर है, तो उसके अपोजिट साइड पे क्या होगा, विंटर होगा। नदर हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस, अब कौन से डेट से कौन से मंथ तक नदर हेमिस्फीयर समर एक्सपीरियंस करता है, सो दैट इज बिटवीन 21 मार्च टू 21 सितंबर, यानी कि नदर हेमिस्फीयर में सन के रेज डायरेक्टली पड़ते हैं ऑन 21 मार्च टू 21 सितंबर। तब उसी पीरियड में 21 मार्च से लेके 21 सितंबर में सदर हेमिस्फीयर में कौन सा सीजन होगा, यस वहां पे होगा विंटर सीजन। तो चेंज ऑफ दिस सीजन इज ऑपोजिट, आपके बुक में पेज नंबर 11 उसमें एक डायग्राम दिया है रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, जिसमें मंथ वाइज आपको दिया है। यहाँ पे आपको दिया गया है 21 जून, जो लॉन्गेस्ट डे है, और 22 दिसंबर, जो शॉर्टेस्ट डे है। दिया गया है इक्वल डे और नाइट एंड इक्वल डे और नाइट। लिस्ट ऑफ सम फेस्टिवल्स एंड सीजन्स ऑफ द सेलिब्रेशंस आर गिवन पे, यहाँ पे दिया गया है फेस्टिवल होली, उसका हमें सीजन दिया गया है, होली समर में आता है, दिवाली विंटर में आता है, क्रिसमस विंटर में आता है, राइट। अब यहाँ पे दूसरा एक डायग्राम दिया गया है, द सन एट द मिडनाइट इन नॉर्वे। यहाँ पे ये नॉर्वे का दिया गया है कि मिडनाइट होते होते नॉर्वे का कैसा एक पिक्चर दिया गया है जब सन सेट। नॉर्वे की कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है, ये एक यूरोपियन नेशन है। पेज नंबर 12, इन द यूरोपियन नेशन ऑफ नॉर्वे सन डज नॉट सेट फ्रॉम मिड मे टू एंड ऑफ द जुलाई, मंथ ऑफ मे उसके मिड से लेके पूरे जुलाई के एंड, यानी होल मंथ जून एंड होल मंथ जुलाई, एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम मिड मे सन सेट ही नहीं होता है। दिस मीन्स सनराइज और सनसेट दोनों एक साथ होता है, जिसके वजह से मिडनाइट तक सन दिख रहा है। ये जो एक्सप्लेनेशन है वो आपके पिक्चर में दिया गया है कि कैसे वो मंथ तक, पूरे 2.5 मंथ तक सन टोटली सेट नहीं होता है, दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं सनराइज और सन, और इसीलिए नॉर्वे में इस तरह से सीजन होता है। अब इसी पेज में थिंग्स टू नो, कुछ डेट्स दिए हैं और कुछ सीजन्स के नाम दिए हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। उत्तरायण, जिसको मकर संक्रांति बोलते हैं, यहाँ पे सन के रेज जो है वर्टिकल रे फॉल होते हैं नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर फ्रॉम 22 दिसंबर ऑनवर्ड्स। सो उत्तरायण एक्चुअली फॉल्स ऑन 22 दिसंबर एंड नॉट ऑन 14 जनवरी, बट सन एंटर टू द ज़ोडियक साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न ऑन 14 जनवरी, इसलिए हम 14 जनवरी को मकर संक्रांति सेलिब्रेट करते हैं। एक्चुअल मकर संक्रांति 22 दिसंबर से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि जो सन के रेज है वो वर्टिकली इक्वेटर पे फॉल होते हैं 22 दिसंबर में। वॉट डू यू मीन बाय वर्ड सॉलस्टिस, फ्रॉम 22 जून ऑनवर्ड्स वर्टिकल रे ऑफ द सन स्टार्ट मूविंग नॉर्थ के जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है टूवर्ड्स द इक्वेटर। ये जो पीरियड है जब सन का रेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इक्वेटर की तरफ मूव होना शुरू होता है, इस पीरियड को सोलस्टिक पीरियड बोला जाता है। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, प्रकाश वर्धन, द लाइन दैट सेपरेट्स the lighted from the darker half of the earth and it joins the two pole, which are the two pole, north pole and south pole, and as I said this line is an imaginary line but it divides the two part
दैट इज वन इज अ लाइटर जहाँ पे सन के रेज है एंड वेन वन इज अ अपोजिट डार्कर पार्ट जहाँ पे सन के रेज नहीं होते, उस लाइन को हम बोलेंगे सर्कल ऑफ एलिमिनेशन। रेवोल्यूशन द अर्थ ऑर्बिट्स अराउंड द सन, अर्थ पूरे सन में पूरा एक 365 डेज का रेवोल्यूशन करता है, उसकी स्पीड होती है 1760 किलोमीटर पर सेल्सियस। सेल्सियस एक यूनिट है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, इसका नाम दिया गया है स्वेडिश एस्ट्रोनॉमर एंड्रस सेल्सियस ईयर 1701 टू 1744। सेल्सियस इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, ये मेजरमेंट यूज होता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। द नेम इज गिवन आफ्टर द स्वेडिश एस्ट्रोनॉमर एंड्रस सेल्सियस। सो इन दिस चैप्टर वी स्टडी अबाउट रोटेशन ऑफ द अर्थ विच इज ऑन इट्स ओन एक्सिस, रेवोल्यूशन मीन्स जो सन के आजू बाजू रिवॉल्व होता है, रोटेशन 24 आवर्स यानी एक दिन लगता है, उसकी स्पीड होती है 16 सेंटीमीटर। रेवोल्यूशन यानी रिवॉल्विंग अराउंड द सन इट टेक्स वन ईयर दैट इज 365 डेज, उसकी स्पीड होती है 1760। जो अर्थ होता है वो सन के रिवॉल्व होते होते रोटेट भी होता है, उसका जो एक्सिस होता है वो टिल्टेड होता है, जिसकी वजह से हमें वेरियस डे और लेंथ और सीजन्स एब्जॉर्ब होते हैं, हम अलग अलग डे और नाइट देखते हैं। योर द चैप्टर 2 ऑफ योर बुक 7 इज ओवर।